तो यहाँ पे हमें क्या क्या ध्यान देना, देखिए जब प्रश्न पूछता है, अर्थात ये प्राइमरी में प्रश्न है, प्राइमरी वाले में पहली जो हमें सबसे पहले ध्यान देने की मतलब यहाँ पे जरूरत है, पहले तो दिया प्राथमिक कक्षा, तो प्राथमिक कक्षा के जो मतलब विद्यार्थी होंगे उनकी जो क्षमताएं होंगी उनको ध्यान में रख के आपको ऑप्शन टिक करना है। वही चीज बड़े लोगों में क्या होगा, अलग हो जाएगा, और छोटे बच्चों में अलग हो जाएगा, ये हमको ध्यान देना है कि नहीं। मतलब पहले तो हमें कैसे हम क्वेश्चन को एनालिसिस करें कि क्या हमको ऑप्शन करना, जब ये प्राथमिक कक्षा की बात कर रहा है तो जरूरी नहीं कि सारे ऑप्शन गलत हो, सारे ऑप्शन सही होंगे, लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा, ऐसे हम छांटते हैं आंसर। हाँ, पहले तो नहीं वाला टर्म इसमें दिया तो इसको ध्यान देंगे कि नहीं। अच्छा, आप लोगों को पता नहीं, नहीं नहीं था तब भी नहीं दिख रहा था, इतना ज्यादा है, लेकिन 4-5 प्रश्न नहीं वाले होते हैं, ज्यादा ज्यादा कम से कम 2, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होता, बहुत ज्यादा एकदम कंफ्यूज नहीं, बस पढ़ लीजिएगा तो नहीं देखेगा तो आपको समझ में ही आ जाएगा। यहाँ पूछ रहा प्राथमिक कक्षा में गणित आकलन, गणित आकलन मतलब क्या, कोई बच्चे को पढ़ा लिए वो कितना प्राप्त किया उद्देश्य, इसका हमको आकलन करना है, तो किस पर ध्यान नहीं देंगे, अर्थात यहाँ पे उद्देश्य दिए होंगे, आकलन दिया है लेकिन ऑप्शन में क्या दिया होगा, उद्देश्य, उद्देश्य को ही तो मापते हैं मूल्यांकन में। मूल्यांकन मैंने बताया था कि बालक ने उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर पर की, यही तो हमको मापना है, तो यहाँ पे दिया है मूल्यांकन लेकिन ये सारे उद्देश्य होंगे, तब याद करिए गणित के कौन कौन से उद्देश्य हैं, तो गणितीय अवधारणाओं को समझना ये तो उद्देश्य होगा ही, अगर आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझेंगे तो पढ़ेंगे क्या, पढ़ाएंगे क्या। यहाँ पे क्या है, अगर आप जोड़ जानते हैं तो इसको जाने योग होता क्या है, कॉन्सेप्ट मतलब क्या, प्लस का साइन, बहुत सही, ऐसा इंग डालें लिपा गया, ठीक, मतलब आप उसका जब तक कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे आप जोड़ तो लेंगे, कहेंगे 2 में 3 जोड़ो 5, 10 में 4 जोड़ो 14, 8 में 2 जोड़ो 10, तो जोड़ना तो उसको पता है लेकिन जोड़ होता क्या उसको नहीं पता, तो अगर उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता योग का, गुणा का, ब्रैकेट क्यों लगाया जाता है, कितने लोग बता सकते हैं ब्रैकेट लगाने का क्या अर्थ है, मतलब ब्रैकेट क्यों यूज करते हैं, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में, ब्रैकेट का दैनिक जीवन में क्या योगदान है, कोई भी ऐसी गणित की चीज नहीं है जो दैनिक जीवन में यूजफुल ना हो, आप अपने से विचार करते रहिएगा यहाँ पे, अर्थात हमें उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, तो ये तो आपका नहीं अगर टर्म दिया हुआ है तो ये तो आपका गलत हो गया, क्योंकि ये तो होता ही है, बहुत अच्छा, ठीक। दूसरा क्या है, गणितीय भाषा का विकास, तो हम अक्सर यही लगा देंगे, अरे गणित में भाषा क्या, कह देंगे कि नहीं, लेकिन सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें गणितीय भाषा का विकास, गणितीय भाषा जो होती, जो सिंबल आप यूज करते हैं गणित में, संकेत, ये क्या है, ये क्या, ये गणित की भाषा है, ये क्या है, गणित की भाषा है, ये क्या है, गणित की भाषा है, ये हिंदी में तो नहीं दिखेगा आपको, गणित में दिखेगा, गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने ब्रह्मांड को रचा, गैलीलियो ने कहा, अर्थात गणित भी क्या है, भाषा, तो उसका विकास तो करना ही है, धीरे 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 धीरे, लॉग, साइन, कॉस, टेन, ठीक, वृत्त, जो आप टर्म उसमें यूज करते हैं वो क्या हर जगह आपको दिखता है, जो स्पेशली गणित के लिए, गणित के टर्म होते हैं, चाहे वो संकेत हो, चाहे वो शब्द हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारे गणित की भाषाएं होती हैं, तो गणित की जो गणितीय भाषा का विकास है ये तो करना ही है हमें, और ज्यादातर यही लोग लगा के चलेंगे कि गणित की भाषा क्या, आप समझ लें गणित भी एक भाषा है, ठीक। आप देखें ये भी आपका कट हो गया, फिर देखिए गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, सटीकता मतलब क्या, अगर यहाँ 2 और 2 लिखे तो यहाँ 5 ना लिखे, वो 4 ही लिखे चाहे कैसे, हम आपको एग्जांपल दे रहे छोट का, हाँ। जोड़ दे क्या 10 अंक वाला, नहीं वो बात नहीं है, मतलब नहीं। हाँ। के बच्चा मतलब इतना तो कर ही, मैं आपको ये बता रही हूँ कि समस्याओं का सटीक जवाब देना, मतलब कोई भी समस्या हो, गुड़ा लिखा हो 855 में 75 का गुड़ा, तो आंसर वो सही दे, अगर यहाँ एक भी अंक गलत लिखा तो गलत,
अर्थात सटीकता तो होनी चाहिए, एक्यूरेसी, शुद्धता, सटीकता। स्पीड अगर आप बढ़ाते हो तो कभी कभी गलत भी हो जाता है, लेकिन गणित पे कमांड रहता है तो बहुत तेज़ी से लोग जैसे पहाड़ा बहुत तेज़ी से याद कर लेते हैं। तो पहाड़ा क्यों याद करते हैं? अगर कहें पहाड़े का महत्व, तो पहाड़े का महत्व क्या है? जब गुणा करते हैं तो आप उतना गुणा करेंगे तो आपको पहाड़े की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए शुरू में क्या हम पहाड़ा सिखाते हैं बच्चों को, सबसे पहले गिनती सिखाते हैं। गिनतियाँ नहीं पता तो जोड़ेगा घटाएगा क्या? जो ग्रेडेड आपका सिस्टम लर्निंग का वो मूल्यांकन का आया हुआ है अभी, उसमें जो देखते हैं कि कौन सा बच्चा 0 से 9 के बीच में है, कौन सा मतलब दहाई के अंक में, कौन से सैकड़े के अंक में, मतलब कितना पहचान लेता है। फिर देखते हैं कौन सा बच्चा जोड़ कर ले रहा है, कितने बच्चे हैं जो घटाना कर ले रहे हैं। फिर शब्दों में कौन वर्ण पहचान ले रहा है, कौन शब्द पहचान ले रहा है, कौन सेंटेंस पढ़ रहा है, कौन पैराग्राफ पढ़ ले रहा है। तो ऐसे जितने बच्चे हैं तो उसकी जो संख्याएँ आप भेजते हैं उससे पता चलता है कि आपके स्कूल में बच्चों का स्तर क्या है, कक्षा 2 के बच्चों का स्तर क्या है, कितने ज़्यादा डेवलप है, कितने उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। वही आकलन यहाँ भी गणित के लिए कर रहा है। तो यहाँ भी क्या सटीकता अगर गणित में नहीं है तो ऐसा, ये प्राथमिक बच्चों के लिए भी तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि सटीकता क्यों नहीं रहती? स्मृति स्तर का शिक्षण होता है। पहाड़ा आप रटाते हैं तो सटीक होना चाहिए, ठीक। लेकिन तर्क कौशल का विकास ये गणित का तो उद्देश्य होता है, लेकिन यहाँ प्राथमिक कक्षा दिया हुआ है तो इसलिए इन सारे ऑप्शन में आपका ये आंसर इसलिए सही होगा। ध्यान नहीं देंगे क्योंकि बच्चों का स्तर देखिए, ठीक। उद्देश्यों में तर्क क्षमता का विकास तो ठीक है, तर्क कौशल क्षमता मतलब ठीक है, धीरे धीरे तर्क करना सीख लेगा, लेकिन कौशल मतलब उसमें निपुणता। तो तर्क की क्षमता उसमें कक्षा 5 तक आप इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, रीजनिंग उसकी बहुत अच्छी नहीं करा सकते। ये सब ज़्यादा ज़रूरी है इसकी अपेक्षाकृत, कि सटीक हो जाए, उसको सिंबल पता हो जाए, उसमें आई वर्ड टर्म ब्याज क्या है पता हो जाए, ठीक है, मूलधन क्या होता है पता हो जाए। ये तो गणित की भाषा है, ठीक। फिर यहाँ क्या अवधारणा, तो सबसे बेसिक टर्म है कि कॉन्सेप्ट उसको समझाना है। कैसे समझाते हैं? एक मार्कर दिया उसको, दूसरा मार्कर दिया, बोले दोनों को जोड़ो। ये ब्रूनर का सिद्धांत था, पहला क्रियात्मक अवस्था में चीज़ों को, ऐसी चीज़ें जो देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन चीज़ों से बच्चों को सिखाना। फिर दूसरे में संकेत से सिखाना, और तीसरी क्या होती है? चलिए ब्रूनर की तीनों अवस्थाएं बताइए। क्या बात करूं, आप लगते उल्टा सीधा बोलने। बताइए ब्रूनर की तीनों अवस्थाओं को बताइए। बताइए ब्रूनर की तीन अवस्थाओं के नाम बताइए। अब तीन बता दिया, समस्या आपके सामने। जब आपको नहीं पता है किस चीज़ की चल रही है तो फिर क्या कह सकते हैं, बताइए। मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, ब्रूनर की तीनों अवस्थाओं के नाम बताइए। क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक। अब इसे तुरंत ब्रूनर पढ़ लीजिए, जहां जो आए वहां वो आप रिवाइज कर दीजिए। रिवीजन की क्लास चल रही है, कहीं से कोई भी पॉइंट यहाँ पे पढ़ा जा सकता है। हम सब क्या कर रहे हैं, समावेशित करके पढ़ रहे हैं। तो ब्रूनर के तीन सिद्धांत कौन से हैं? ब्रूनर के तीन सिद्धांत, सॉरी, विकास के तीन अवस्थाएं, कोई एक तरह से आप सिद्धांत ही समझे। 0 से 3 वर्ष मतलब जन्म से 3, फिर 3 से 8 और ये 8 के बाद। अब इसी में गणित जो आप पढ़ा रहे थे उसको बता रहे हैं। अब देखिए कौन सी अवस्था में आएगा बच्चा, जब प्राइमरी का बच्चा है तो प्रतिबिंबात्मक में आएगा ना, ठीक है। हम यहाँ देखते हैं जब यहाँ चीज़ों को स्टार्ट करते हैं पढ़ाना, तो क्रियात्मक में क्या होता है, वो चीज़ हर चीज़ को जैसे पाता है, तोड़ता है, मड़ोता है, ठीक।
तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे करता है, ऐसी चीजें जो क्रिया, उसकी क्रिया दिखाई देती है। ठीक, तो यहाँ क्रियात्मक कब से कब है? 0 से 3। इसमें क्या, हर चीज क्रिया करके, जैसे यही बताया मैंने, मार्कर दोनों दिखाइए और बोले एक मार्कर और दो मार्कर कितना, तो वो कहेगा एक एक। फिर आप बताएंगे एक एक क्या होता है, दो। वैसा भी तो कर सकता है, 11 बता सकता है, एक एक लिख दिया दो। लेकिन चीजों को जिसको छू सके, टॉफी देके टॉफी को छू सकता है ना, तो ऐसी अवस्था इसको क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। प्रतिबिंबात्मक में क्या, प्रतिबिंब अर्थात कोई सिंबल, जैसे आपने स्टार बना दिया, दो कहीं एक स्टार जुड़े, दो स्टार जुड़े, कितना स्टार हुआ, तो एक स्टार और एक स्टार जुड़ेंगे तो दोनों स्टार एक साथ लिख देंगे तो ये दो। और संकेतात्मक में क्या, वो संकेत एकदम अच्छे से समझ जाता है, उसमें एक और एक डायरेक्ट आप दो बता सकते हैं। अगर ब्रूनर के सिद्धांत पर पूछा जाए कि ब्रूनर का जो सिद्धांत था उसने क्या कहा कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कहते ना एक टॉपिक है बच्चा कैसे सीखता है, तो सबके अनुसार अलग अलग तरह से सीखता है। थंडा के अनुसार कैसे सीखता है, ठीक। अभी मैं शुरू से आपको बताऊंगी अधिगम के सारे सिद्धांत। अब इसमें आप याद रखिएगा, अन्वेषण से सीखता है। अब वो एक और एक 11 भी तो बता सकता था, लेकिन वो अन्वेषण करता है अपने दिमाग में। बच्चा अगर पूछा जाए अन्वेषण से सीखता है किसके अनुसार, तो ब्रूनर के अनुसार। ब्रूनर कौन से वाद से है सीखने के, ब्रूनर का सिद्धांत कौन से वाद से है, संरचना और संज्ञानात्मक। सिद्धांत का नाम नहीं, मैंने कहा कौन से वाद से है, सूझवादी है कि व्यवहारवादी है, बताइए। ठीक, तो यहाँ पे अभी तो हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, अब हम सेटिंग से देखेंगे। समझ में आया, जो पियाजे है वही ब्रूनर है, लगभग एक ही जैसा सिद्धांत, बस उन्होंने 4 अवस्था दी, इन्होंने 3 अवस्था दी। कभी कभी ब्रूनर से भी प्रश्न आ सकता है इनडायरेक्टली, लेकिन यहाँ आप समझेंगे तो प्राथमिक बच्चे को समझने में आपको आराम रहेगा। ठीक, अभी 8 मतलब साल का हुआ, अब देखिए 8 साल का हो गया तो कक्षा किस में होगा, 3 में होगा। वो जैसे 6 में 1 में जाएगा, 7 में 2 में जाएगा, 8 में 3 में जाएगा। अब देखिए यहाँ संकेतात्मक, जैसे कक्षा 3 के बाद क्या हो गया आपका, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन भी शुरू होता है, इनसे भी जोड़िए। क्या रीजन है आपके, कई सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन है उसके पीछे कि कब क्यों कैसे पढ़ाना है, और बर्डन नहीं डालना, जिसकी जैसी अवस्था, जैसे जिसकी क्षमता, वैसे हम बच्चों को पढ़ाएंगे। कक्षा 1 के बच्चों को गणित अलग तरीके से पढ़ाना है, 1, 2 और 3, 4, 5 में थोड़ा और डेवलपमेंट हो जाता है तो अलग तरीके से पढ़ाना। ठीक, अगर पियाजे को देखें तो 7 साल उसके बाद वो चला जाता है पूर्ण संक्रियात्मक ना, मूर्त संक्रियात्मक। यहाँ देखिए संज्ञा, वो आपका संवेदी गामक, जन्म से 2, 2 से 7 पूर्ण संक्रियात्मक, तब भी एडमिशन हो गया, कक्षा 2 में है। फिर अब 7 में ये और 7 के बाद 8 लगभग पहुंचे तो कक्षा 3 में पहुंच जाएगा ना, तो 7 से 11 में जाएगा। तभी यहाँ देखिए बहुत सारी चीज़ें कक्षा 3 में ज़्यादा मॉडिफाइड कर दी जाती हैं बुक में। समझ में, यहाँ आपको ये देखना है शिक्षण के प्रश्न किस बच्चे के लिए कह रहा है, उस बच्चे के अनुरूप आपको आंसर देना है। ज़रूरी नहीं कि आंसर आपको बहुत अच्छा होगा, कहीं ये गलत कैसे किया, लेकिन उस प्रश्न के अनुरूप होना चाहिए, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो जो आपका सिलेबस है यहाँ पे सीटेट का, उसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया हुआ है, आगे तो क्या 3री अवस्था है, तो 8 से जिंदगी भर, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ठीक है, यहाँ जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं, अब रिवीजन स्टार्ट होता है शुरू से, तो हमें अब ये नहीं भटकना है कौन क्या कहा, किसने कहा, क्या डेफिनेशन, ये नहीं, हम कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, इसके बाद हम अधिगम पे आएंगे, क्योंकि शिक्षण हमने पढ़ लिया, अब जिसका शिक्षण कराना है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मनोविज्ञान की बात करें तो डायरेक्टली एक क्या आता है, व्यवहार का विज्ञान, डेफिनेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ जब शुरू में आता तो मन
और आत्मा, चेतना, ये सारी चीजें आई, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे तो अर्थात इस व्यवहार में आपका मस्तिष्क भी आ रहा है, क्योंकि व्यवहार कहाँ से उत्पन्न होगा? मस्तिष्क से। ऐसा नहीं कहेंगे कि इसमें मस्तिष्क नहीं, सिर्फ व्यवहार, ऐसे नहीं, सारी चीजें आ रही व्यवहार में, आपके जो सामाजिक व्यवहार है, नैतिक व्यवहार है, सारी चीजें, उन सब का अध्ययन क्या है, किसके अंतर्गत किया जाएगा? मनोविज्ञान का। हमको मनोविज्ञान क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमको बच्चे को समझना है, बच्चा कैसे सोचता है, बच्चा कैसे सीखता है, बच्चे की क्या आवश्यकता है, हम उसको कैसे सर्वांगीण विकसित कर सकते हैं। अब इसी मनोविज्ञान में हम ये देखते हैं कि चीजें सीखते कैसे हैं। पहले तो सीखने को क्या कहते हैं आप? अधिगम। अधिगम मतलब क्या? अधिगम से आप क्या समझते हैं? सीखने सिखाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, शिक्षण का डेफिनेशन है। व्यवहार में परिवर्तन शिक्षा है। और बताइए अधिगम क्या है? यहाँ कोई एक अधिगम की डिफिनेशन नहीं बता पा रहे, ठीक है? अधिगम क्या है, सीखना क्या है, किसी चीज को हम अपने अंदर अर्जित करते। अधिगम क्या होता है? मस्तिष्क में कोई चीज सीख लिया और व्यवहार में उसको परिलक्षित करना क्या होता है? शिक्षा, ठीक। ज्ञान, आदतों, अभिवृत्तियों का निर्माण, मतलब नॉलेज को बढ़ाना या नॉलेज बनाना, ठीक है, आदत बनना, ठीक, या अभिवृत्ति होना, किसी चीज के प्रति झुकाव या विकर्षण। अभिवृत्ति क्या होता है? या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या तटस्थ होगा, ऐसे होगा, ठीक, ठीक। यहाँ पे जो आपका तीन, अगर तीन स्केल देखे 1, 2, 3, तो बीच में जो होता है वो क्या? न्यूट्रल होता है, और इधर होता है तो निगेटिव, इधर होता है पॉजिटिव, इसे कहते हैं अभिवृत्ति। रुचि क्या होता है? सिर्फ झुकाव, वो सिर्फ पॉजिटिव होता है। अभिवृत्ति क्या होता है? निगेटिव, पॉजिटिव, तटस्थ, तीनों होता है। तो यहाँ इन सब चीजों का निर्माण ही क्या होता है? अधिगम होता है। अब अधिगम के सिद्धांतों की बात करें तो अधिगम के कई प्रकार के सिद्धांत हैं। जनरली हम दो भागों में इसको बांटते हैं, जैसे सूझवादी और व्यवहारवादी हैं, तो और समाजवादी हैं, संरचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, लेकिन जनरली हम दो पढ़ते हैं। अब देखिए सूझवादी में आपका किसका किसका नाम आएगा? कोहलर, कोफा और वर्दिमर। मुख्य वर्दिमर को ही माना जाता है कि सूझवादी सबसे प्रमुख, और तीनों का नाम एक साथ लिया जाता है सूझवादी में। व्यवहारवादी में किसको किसको पढ़ना रहता है? थार्नडाइक, पावलोव और स्किनर, और भी बहुत सारे, ठीक, ठीक। आप देखें यहाँ पे हम धीरे धीरे एक एक लोगों को थोड़ा थोड़ा रिवीजन करके, इतना सारा अपने क्लासेस पढ़ लिया तो यहाँ डीपली नहीं पढ़ना है, हमें रिवाइज ही करना है। तो पहले हम थार्नडाइक को पढ़े, किसको पढ़े बताइए? पहले किसको पढ़े? सूझवाद, चलिए कोहलर को पढ़िए। तब सूझवाद तो सूझवाद, कोहलर को पढ़ेंगे, क्या हो गया? ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे इससे नीचे, देख लिया। ठीक है, छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए कोहलर, अरे लास्ट क्लास मान लीजिए और जाइए पढ़ के शांति से। नहीं जाएंगे लाइव, आप लोग ऑफलाइन पढ़ लीजिएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? टाइम वेस्ट करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, किसी को बांध के नहीं रखा गया। कोहलर की बात आप समझिए, कोहलर कौन से वाद से हैं? सूझवाद। इसको एक चीज और कहते हैं अंतर्दृष्टि।
अंदर की दृष्टि, अंदर दृष्टि का सिद्धांत इनका है ना, कोहलर का अंतर दृष्टि का सिद्धांत। इनके सिद्धांत को हम समझेंगे। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, तो एक वन मानुष को एक पिंजरे में बंद किया, हाँ सुल्तान था, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है मान लीजिए वन मानुष है ना, माना एक्स माना वाई, तो वन मानुष नहीं मान सकते, आदमी लग रहा है क्या, अरे मार पूर्वज है, ठीक है। अब देखिए ये वन मानुष था, तो क्या हुआ कि इसको भूख लगेगी, चीज़ें वही भूख पे एक्सपेरिमेंट लोगों ने किया। तो यहाँ पे जो केला बंधा हुआ था, ठीक है, तो वो नहीं पा रहा था, तो यहाँ अगल बगल डिब्बे थे, एक डिब्बा था, तो लाता है इसको डिब्बे को और केला पा जाता है। फिर क्या करते हैं, केला और ऊपर कर देते हैं, हाँ शुरू शुरू में ऐसे इकट्ठे थोड़ी सिखा देंगे। फिर क्या करता है, दो तीन डिब्बे रहते हैं, तो एक डिब्बा करता है नहीं पाता, फिर दो डिब्बा पाता है तो पा जाता है, फिर खा के चला जाता है, फिर केला ही बाहर कर देते हैं, तो हाथ डालता है नहीं पाता, एक छड़ी रखी रहती है, इधर से छड़ी पकड़ता है, छड़ी से खींच लेता है, फिर छड़ी टूटी वाली ऐसे 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 जुड़ने वाली रहती है, फिर क्या लेता है, फिर जोड़ता है और क्या करता है, पा जाता है। मतलब धीरे धीरे वो क्या करता है, किसी न किसी तरह से चीज़ों को सॉल्व कर लेता है। अब देखिए ये परिस्थिति कैसे परिस्थिति है, समस्या परिस्थिति, समस्यात्मक परिस्थिति, ठीक। समस्यात्मक परिस्थिति में वो पहले क्या किया, पहले देखा हम क्या कर सकते हैं, तो उसने किया अवलोकन, अवलोकन किया ना कि डायरेक्ट उसकी दिमाग की बत्ती जल गई, अंतर्दृष्टि मतलब दिमाग की बत्ती। हाँ अभी अभी बताऊंगी सिद्धांत, पहले एक्सपेरिमेंट तो समझिए। लोग कहते बस ऐसे सीख लिया, अपने आप सीख लिया, ऐसा नहीं है, इसमें भी समस्यात्मक परिस्थिति होती है। आप देखिए समस्यात्मक परिस्थिति में उसने अवलोकन किया और अचानक उसके अंदर अंतर्दृष्टि या सूझ आई, ठीक। जब सूझ आई तो उसने क्या किया, समस्या समाधान कर लिया, किया कि नहीं, पा लिया ना भोजन, समस्या क्या थी, भोजन पाना, तो वो उसने देखा क्या कर सकते, क्या कर सकते, डिब्बा दिखा, तो डिब्बे को करना क्या है, उसको सूझ आई तब ना किसके पर खड़ा होना, और डिब्बे को ही सर पे रख लेता या डिब्बे कुछ नहीं करता जाके बैठ जाता, सूझ तो ये थी कि डिब्बे पे डिब्बे के पास जाके उस पर खड़ा होके उसने प्रयास किया, तो सूझ ही है इनसाइट। तो यहाँ पे ऐसी परिस्थिति में जो सीखना जिसमें सूझ बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक। कौन सा ये सूझवादी सिद्धांत इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया गया, सूझ को। अब जो इसमें कहा सीखना क्या होता है, यंत्रवत, सीखना क्या होता है, यंत्रवत होता है, ठीक। दूसरी चीज इन्होंने क्या कहा, ये ऐसा नहीं कि धीरे धीरे कोई सीखते सीखते क्या करता है, सीख लेता है। यंत्रवत मतलब आप कोई चीज करके, जैसे यांत्रिक चीजें जो सीखना या कहा मस्तिष्क का यंत्रवत प्रक्रिया, ठीक। आप देखिए दूसरी चीज इन्होंने क्या, याद रखिएगा इनके जो डिमेरिट आप कैसे समझेंगे, इन्होंने कहा ये स्फूर्त है और अचानक आती है ये सूझ, ऐसा नहीं कि आप धीरे धीरे बैठे हैं तो धीरे धीरे आ रही है, ये अचानक आपके दिमाग की बत्ती जलती है। अब इसी को अगर आप समझ लें तो आपको पता चल जाएगा कि इनके सिद्धांत में कमी क्या है। अगर आपकी जो सूझ है वो आपके पेपर के बाद आए, अभी ये थोड़ी पता है कब आएगी, आ जाए कल आए पेपर के बाद आए ऊपर जाने के बाद आए, ये थोड़ी पता है, हाँ सूझ चाहे जब, ये नहीं पता है कि कब आएगी। तो सूझ तो ठीक है लेकिन यहाँ पे कब आएगी इन्होंने नहीं बताया, तो अर्थात आपको एक टाइम ड्यूरेशन बताना चाहिए था कि हाँ इतने टाइम बाद आपकी आएगी, नहीं तो आप तो कह दिए सूझ आएगी, अब पता चला वो जब एकदम आए ही ना, वो तो काफ़ी समझदार होते हैं ना वन मानुष ना, तो उनको आ गए, आप ज़्यादा समझदार हैं। ऐसे किसी जानवर को रख दिया जाए जिसके पास जो मस्तिष्क है वो उसकी क्षमता कम हो तो वो तो भूखे मर जाएगा, जब सूझ आएगी ही नहीं फिर गधा के बाद मर जाएगा। गधे को बहुत बुद्धि होती है, गधा बहुत सीधा होता है, ठीक। और गधे कुछ मत कहिएगा, ठीक। आप देखिए यहाँ पे अर्थात अगर कोई मंद बुद्धि बालक है तो इस सिद्धांत से नहीं सीख सकता। सूझ का मतलब क्या, न सूझ आएगी न सीखेगा। आज समस्यात्मक परिस्थिति दिया, वो अवलोकन किया, अवलोकन के बाद उसकी क्षमता ही नहीं है तो सूझ नहीं आएगी,
तो अगर नहीं आए तो क्या उस फेल हो जाएगा, आपका टाइम तो उतना ही है एक साल का, सूझ देर में आई, अर्थात सही है लेकिन उनके लिए जिनको सूझ आ जाए, लेकिन कब आएगी पता नहीं, सही समय पे आएगी कि नहीं। अब आग से आपको भागना है और पूरे आग में लपट गए, आधा जल गए, तब सूझ आई कि हमको तो भागना है, तब क्या फायदा, अब भागेंगे तो भी जल जाएंगे। अर्थात सूझ का कोई निश्चित समय नहीं है, अचानक आएगी, कब आएगी पता नहीं, जल्दी आ गई तो जल्दी समस्या समाधान, देर से आई तो देर से, ये कोहलर का सिद्धांत, इसीलिए सूझवादी कहा जाता है कि सूझ पे ही। हाँ, गेस्टाल्ट आपका सूझ, वो अंतर्दृष्टि, सारी एक ही चीज है, गेस्टाल्टवादी सूझवादी एक ही चीज है, ठीक है, वही कोहलर कोफा वर्दीमर्द, समझ में ठीक। अब इनको देख लिया, अब इनके अपोजिट देखेंगे, जहां दिमाग से किसी चीज का मतलब ही नहीं है, इनका अपोजिट अगर आप देखें, जहां हमें दिमाग लगाना नहीं है, ऐसे बांध दिए जाएं कि हमको सीखना ही पड़ जाए, वो है पावलाव। पावलाव के सिद्धांत को और कैसे क्या कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया, बहुत सारे नाम, वो सारी चीजें आपको बुक में मिल जाएंगी, जो बुक में मिल जाएंगी वो जाने दें, और सीटेट में ये पूछता भी नहीं नाम क्या है, कि वो जानते नाम तो सुना ही होगा, है ना, यूपीटेट में पूछता है। आप देखिए पावलाव का जो सिद्धांत है, ये आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, मतलब शास्त्रीय अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, ये सारे नाम है क्योंकि बहुत पहले इन्होंने इसको किया था, अनुबंधन की जो चीजें हैं कंडीशनिंग की, पावलाव का इसमें बहुत बड़ा योगदान। अनुबंधन मतलब क्या, किसी चीज के बीच में बंध बनना, तो बंध यहाँ किसके बीच बनता है, स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच, ठीक है। तो यहाँ हमने देख, पहले इनका एक्सपेरिमेंट जो है उसको समझेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे, इसमें सूझबूझ नहीं लग पाएगी, ऐसा बाउंड कर देंगे कि दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी, ठीक। हाँ, आप देखिए यहाँ पे एक फिर नहीं बनेगा, हंसिएगा मत, नहीं ये तो चिड़िया बन, पता नहीं, एक सेकंड माना, फिर ये कुत्ता है, अच्छा हाँ कुत्ता लगना। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप लोग ना ऐसे सपोर्ट करें तब तो हम तो खड़े खड़े गिर जाएं, अरे इतना लोग बोल देते हैं ऐसा ऐसा कि समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या किसका किसने बिगाड़ रखा है। ये देखिए कुत्ता है, लिख दिया आप, समझ में आ रहा है, इतना मत हंसिए, इतना बेकार नहीं है, अभी तक आप नहीं चुप हो रहे हैं, ठीक है। कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट इन्होंने कहा, ऐसे ना था कुत्ते की वो टेढ़ी ही रहेगी, एक सेकंड, पर्यावरण नहीं पढ़ा रहे हम साइकोलॉजी पढ़ाए, बस करिए, हाँ हाँ हो गया बच्चा है। अब देखिए कुत्ता है, अब कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट सब जानते हैं, लेकिन इसको समझ जाएं तो शायद उसके सिद्धांत को ही समझना है, हमको एक्सपेरिमेंट नहीं, कहानी जैसा लगता है तो हम याद कर लेते हैं, इसलिए कहानी की तरह कहते भी हैं। अब इसमें ये लार ग्रंथि में एक मशीन लगी होती है जिसमें लार काउंट करते हैं, और ये साउंड प्रूफ, आपका साउंड प्रूफ क्यों, ये प्रयोगशाला था, बताया था प्रयोगशाला में बाह्य चरों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि साउंड प्रूफ, बाहर की आवाजें आएंगी तो कुत्ता कैसे सीखेगा कि घंटी बजेगी और भोजन आएगा, उस समय कोई और आवाजें, कोई कह दिया कोई इस प्रकार से ऐसी चीजें कर सकता है ना, मतलब बाहरी चीजों को आपको कंट्रोल करना है, हंस लीजिए यहाँ पे अब साउंड प्रूफ इसलिए था, ये एक्सपेरिमेंटल आपका सिद्धांत था। अब देखिए यहाँ पे, अब कुत्ते को क्या करते, कुत्ता बहुत तेज आहट पहचानता है, हाँ सुनने की क्षमता, जैसे कहते भूत प्रेत भी आते तो कुत्ता भौंकने लगता है, हम लोग नहीं समझो वो फ्रिक्वेंसी, ऐसा कहा जाता है, डरिएगा मत रात को, है ना, कुत्ता भौंके तो डरिएगा मत, रोता है एकदम, अरे बस करिए, चले जाते दूसरे में, वो भी साइकोलॉजी का पोर्शन है, भ्रम, कुंठा, संवेग,
सारी चीजें साइकोलॉजी की ही है। ये क्या हुआ, ये सीढ़ियों से जब यही सीढ़ी दिखती है मुझे, जब ये अंदर आते हैं तो आहट ये पहचान लेता था। तो देखा पावलाव ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने देखा कि जब वो आने वाला होता था उसके कदमों की आहट से ही कुत्ता लार टपकाने लगता था। ठीक, कदमों की आहट से कुत्ता लार टपकाने लगता था। तो क्या ऐसी, मतलब ऐसी क्या चीज, लार पे आपकी कोई कंट्रोलिंग है, कहीं लार टपकाओ, टपकाइए, नहीं टपकेगी। और अगर यहीं इमली बोलने तो रुकेगी नहीं, मतलब उस पर आपकी कोई कंट्रोलिंग नहीं। ऐसी आपकी ऐसा व्यवहार जिस पे आपका कोई कंट्रोलिंग नहीं, लार ऐसी चीज थी। और वो कदमों की आहट पे क्या होता था लार, जबकि वो भोजन नहीं था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, धीरे धीरे, पहली बार तो देखा होगा कि हाँ वही है वही है वही है, हमारी तरह हमसे भी ज्यादा धैर्य है कि सुनते रहे करते रहे। वो लोग बहुत बहुत ही धैर्य से काम करते थे। तो जब इसने देखा कि उसके कदमों की आहट पे इसने लार गिराना शुरू किया, तो कहा कदमों की आहट से भोजन का क्या रिलेशनशिप, और भोजन पे लार गिरती है और किसी चीज पे नहीं गिरती। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक घंटी का, कुछ फिक्स टाइम पे इन्होंने एक बेल बजाई, भोजन दिया। तो पहली बार कोई मतलब नहीं, ऐसे करते करते कई बार किया। अब देखिए इसमें अभ्यास करा रहे हैं, भले इन्होंने अभ्यास निकाले कि करा रहे हैं ना, लेकिन देखिए कई बार किया तो ये कुत्ता ये समझ गया कि घंटी बजेगी और तो समझने की बात ही नहीं, यहाँ तो उसकी लार गिर रही थी। और लार उतनी कुछ दिन बाद गिरने लगी जितना भोजन पे गिरती थी। लार की मात्रा भी क्या हो गई, उस घंटी पे उतनी हो गई जितने भोजन पे होनी चाहिए। तो समझिए, मतलब घंटी बराबर भोजन कर दिया। वास्तविक उद्दीपक और कृत्रिम उद्दीपक में कोई अंतर नहीं समझ पाया, ऐसी चीजें। तो यहाँ पे ये इनका एक्सपेरिमेंट था। ठीक, अब इसका सूत्र हम देखेंगे, इस एक्सपेरिमेंट का सूत्र क्या है। यूसीएस यूसीआर, यूसीएस प्लस सीएस यूसीआर, फिर सीएस सीआर, और यहां से यहां जो बंध बना इसको कहेंगे अनुकूलन। अब देखिए, अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक, भोजन पहले तो अनुबंधित, मतलब हम बंद करें, और भोजन से तो लार पहले से अनुबंधित है, मतलब हमने नहीं किया। अनुबंधित उद्दीपक, एस मतलब स्टिमुलस माने उद्दीपक, इस साइड क्या रहेगा, आर रहेगा। ठीक है, तो अनुबंधित स्टिमुलस मतलब भोजन, नहीं पहले कहाँ है, सिर्फ यही यूसीएस मतलब भोजन, पहले तो उसको भोजन ही आया था ना, तो उसने क्या गिराया, लार, जो किसी कंडीशन में बना नहीं था, ऑटोमेटिकली, मतलब प्राकृतिक, उसकी प्राकृतिक उद्दीपक पे प्राकृतिक अनुक्रिया, ये नहीं वो प्राकृतिक बंधन था, हमने नहीं बनाया था, हमने स्टिमुलस रिस्पॉन्स थोड़ी बनाया था, वो तो ऑटोमेटिकली था। अब यहाँ भोजन पे लार, फिर क्या किया, भोजन प्लस घंटी, कंडीशनल स्टिमुलस मतलब कंडीशन, मतलब किसी बंद से बना, मतलब वो घंटी हमने लगाई, जरूरी है कि सबको भोजन से पहले घंटी मिले, नहीं ना, वो हमने एक स्टिमुलस लगाया जो क्या था, कृत्रिम था। कृत्रिम मतलब ये प्राकृतिक था, और कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, प्राकृतिक मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त, और कृत्रिम मतलब मानव निर्मित। लेकिन गिरा किसके लिए, तब घंटी के लिए नहीं गिरा था, भोजन के लिए ही गिरा था लार, इसलिए यहाँ सीआर नहीं यूसीआर लिखते हैं। जब शुरू में पहली बार घंटी आई होगी तो क्या उसने घंटी के लिए थोड़ी लार गिरा, उसने तो भोजन के लिए गिराया होगा, लेकिन साथ में हमने बंद बना दिया। अब ऐसे बार बार करने से, बार बार करने से वो घंटी पे क्या किया, घंटी पे ही टोटली क्या, लार गिरा। लेकिन ये अनकंडीशनल नहीं था, क्योंकि घंटी कंडीशनल थी, तो लार भी कंडीशनल था। कंडीशन मतलब शर्त कि घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां से इस सीएस का यूसीआर में बदलना, मतलब ऐसा कर दें कि बार बार करने से वो हर घंटी पे लार गिराने लगे, यही हो गया अनुकूलन। नवीन परिस्थिति को एकदम मतलब एडॉप्ट करके उसके प्रति अनुक्रिया करना अनुकूलन होता है। ठीक, तो यहाँ पे इसीलिए इसको
अनुकूलित अनुबंधन कहते हैं। हाँ, उसी समय तक वो गिराएगा, जान जाएगा घंटे के बाद भोजन नहीं मिलेगा उनको। वो अलग कंडीशन है उनकी। पहले रुकिए, ये पहले आप सिद्धांत समझ लिए ना। इसका कंडीशन थी विलोपन। विलोपन कैसे होता है? धीरे धीरे घंटी और भोजन के बीच का समय उन्होंने बढ़ा दिया। तो बढ़ा दिया तो उसको लगा मिलेगा कि नहीं, बढ़ा दिया कम कर दिया, तो वो कंफ्यूज हो गया। तो जैसे ही बंद को उसने फ्लैक्चुएट किया, वैसे ही उसकी अनुक्रिया भी फ्लैक्चुएट होने लगी। लेकिन एक तरह से उसने ये तो कर दिया कि उसकी जो प्राकृतिक जैविक क्रियाएं थी उसको उसने चेंज कर दिया। जो भोजन पे गिरता वो घंटी पे चेंज। अर्थात ये सिद्धांत आपका आदत निर्माण में बहुत ही पावरफुल है। जैसे कहते हैं आतंकवादी बनान, आतंकवादी जैसे बनाते हैं तो कोई कृत्रिम उद्दीपक रखते होंगे, तो बार 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 वो क्या होता होगा, उसके दिमाग में बैठ जाता होगा नहीं ये करना ही है ना, तो वो अपनी जान भी दे देते हैं। या फौजी जो होते हैं वो भी शहीद हो जाते हैं। कोई तो उनके अंदर ऐसी चीज़ें, वो भावना, वो देश प्रेम, तो इसलिए यहाँ पे। लेकिन ये चीज़ था कि यहाँ कृत्रिम उद्दीपक से उसने क्या किया, कृत्रिम उद्दीपक से प्राकृतिक अनुक्रिया करा दी। बहुत ही पावरफुल ये सिद्धांत है, देख लीजिए। पावरफुल क्यों? कि ना प्राकृतिक आपकी चीज थी, ना आपका कंट्रोलिंग वाला चीज था, मतलब जिस पे आप कंट्रोल कर सके। लार पे किसका कंट्रोल? जब गिरनी शुरू होगी तो रुकेगी नहीं, आपकी तो ठीक है, जिसको नहीं कंट्रोल नहीं है वो गिरेगी। मुंह में पानी आना अक्सर आता है, तो क्या करते हैं हम, गटक जाते। तो यहाँ पे उस चीज को इन्होंने चेंज कर दिया। समझ में आया इनके सिद्धांत? ठीक। कमी क्या थी? जानवर पे क्या? दूसरी कमी क्या थी? आपने बाध्य कर दिया, जबरदस्ती किसी को बांध के सिखाना सही नहीं। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आपका ये नहीं कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आए? और कुछ? मैंने कीड़ा कोई नहीं किया। हाँ, कीड़ा क्या चीज? सांप 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 कुछ कोई नहीं किया। आप करिएंगे? हम तो बहुत डरते हैं, बहुत पूजा करते हैं लेकिन बहुत डरते हैं, हमें दिख जाए तो भाग जाए। हमारे यहाँ ना मारा जाता है ना मारने देते हैं। और हमारा जो पुराना घर बना है वो उसमें इतने सांप निकलते थे, सब कह के अगर मारेंगे तो काट सब चले जाएंगे। कह क्यों? क्योंकि आपका घर वह सांप के घर पर बन गया है, नाक की मात। तो आप किसी के घर पर कब्जा कर लेंगे तो निकलेंगे, अपने घर से कहाँ जाएंगे वो? अब तो बहुत कम हो गया, बारिश में बहुत दिखते हैं, मतलब नीचे से टहलते हैं आपको दिख जाएंगे। लेकिन यह है कि किसी को कभी काटा नहीं। बाप रे, हाँ बचपन से देखा है, सफ़ेद, ब्राउन, ब्लैक, बहुत ज़्यादा, मतलब जब बच्चे देते तो कई सारे रहते ना, छोटे 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 छोटे। और बिल्लियों से बहुत दुश्मनी होती है उनकी। मतलब आप अधिगम वाली बात कर रहे हैं तो कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है, करिए। सपेरा करता है, सपेरा उन पे करता है अधिगम का, उसमें एक्सपेरिमेंट। हाँ अक्सर पूछता है। नेक्स्ट आपका क्या है? अगला सिद्धांत देखिए, किसका पढ़ना है जल्दी बताइए। सब सूझवादी है, मतलब सबने यही कहा कि बच्चा सूझ से सीख, हमें एक सेंटेंस याद करना है, एक्सपेरिमेंटल, जिससे क्या हम एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। लेकिन कहा बहुत लोगों ने बहुत सारी चीजें हैं, कार्ल रोजर्स हैं आपके, लेविन कर्ट हैं, है टालमैन है, गुथरी हैं, तो बहुत सारे हैं कि सबने को जिसने एक्सपेरिमेंट किया, हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू जानते, नहीं तो सबका सेंटेंस हमको पता होता कि जो सूझवाद जो आया वो वर्दिमर की ही देन, और कोफा ने भी उसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया, और उसी पे एक्सपेरिमेंटल जो इनका ये था वो किसने किया? कोहलर ने किया। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उस चीज़ को प्रूफ कर देंगे। ठीक, कह के तो बहुत सारे दार्शनिक बहुत सारी चीज़ें कह के जाते हैं। ठीक, अब स्किनर का देखेंगे हम। एक बॉक्स था जिसका नाम स्किनर बॉक्स था, चूहा बनाना आता है? नहीं। मोटा है क्या दादा? स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसे कबूतर पे भी किया था, चूहे का पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि सिद्धांत समझ जाए बात रटने की। उसमें चोंच मारता था, इसमें कूदता था, उसमें बिजली के भी करंट दिए जाते थे, ऐसी चीजें, थोड़ा बहुत अंतर है, चीजें वही हैं,
निकल के आपका जो कंक्लूजन एक ही आया। अब इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? जो इन्होंने व्यवहार करा है वो क्रिया प्रसूत था। एक तो आपका वो व्यवहार जिसपे कंट्रोलिंग नहीं, जिसपे पावलो ने किया, और दूसरा व्यवहार ये जिसपे हमारी कंट्रोलिंग होती है, जैसे चूहे का कूदना। अब चूहा क्यों रखा? क्योंकि चूहा कभी सीधे नहीं जाएगा, इसे 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 से जाए, मतलब इतना एक्टिव होता है ज्यादा, उसके अंदर अनुक्रिया की जो प्रवृत्ति होती है बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इन्होंने चूहा पकड़ा। अब चूहा पकड़ा और एक बॉक्स में रखा, इसमें एक बल्ब जलाया, बल्ब था, यहाँ पे जालीदार फर्श था आपका, यहीं कहीं लीवर था, और लीवर दबाने पे क्या प्लेट निकलती थी जिसपे भोजन। ये इनका बैकग्राउंड था एक्सपेरिमेंटल। अच्छा, यहाँ पे इसने चूहे को छोड़ दिया, तो चूहा क्या करता है? हमेशा अनुक्रिया करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, ठीक। करते 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 क्या हुआ, अचानक उसका पैर पड़ा। उसे नहीं पता था कि उसको भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि कहीं भोजन है कि नहीं है, सिर्फ वो अनुक्रिया कर रहे, जैसे आप घोंसते रहें घोंसते रहें घोंसते रहें और क लिख दे गलती से, फिर हम बोले ये तो क है, अरे वाह, फिर क्या, अरे ये तो क था, फिर क लिखने लगा। यही है स्किनर का सिद्धांत, अनुक्रिया पहले है, रिस्पॉन्स पहले है, स्टिमुलस बाद में, या सिर्फ रिस्पॉन्स डिपेंड करते हैं। आर टाइप भी कहते हैं, आर एस टाइप, और वो कौन थे? पावलोव सिर्फ एस टाइप थे, एस आर आपका थर्ड आई, ठीक। आप देखिए यहाँ पे क्या, इसको नहीं पता था, बस ये कूदा 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 कूदा, अचानक इसका पैर पड़ा लीवर पे, और लीवर पे पैर पड़ने से क्या हुआ, ये आपका प्लेट बाहर आया, बेल बजी। बेल इसलिए बजी कि वो ऑब्जर्व कर सके कि हमारा पैर लीवर पे पड़ा, ताकि जब लीवर पे पैर पड़े तो उसको पता चले कि हाँ लीवर पे पड़ा, नहीं तो कहीं भी पड़ा। वो आदमी थोड़ी है जो हाँ एकदम पड़ा तो ये बार बार खोदता रहेगा, अरे हो सकता है यहाँ कुछ हो। चूहा है बेचारा, इतना छोटा सा पिद्दू सा होता है, और उसके ऑब्जर्वेशन के लिए लाइट, उसके ऑब्जर्वेशन के लिए बेल, ठीक, कि वो जान जाए कि लीवर दबा। अब जब ये दबा पहली बार लिया, तो वो जब लिया भोजन तो संतुष्ट हुआ, इसी संतुष्टि को से उसको फिर से भोजन खोजने या कूदने का क्या मिला, बल मिला, और जो बल फिर से उसको मिला उसको कहते हैं पुनर्बलन। इनका सिद्धांत क्रिया प्रसूत है, लेकिन उसमें पुनर्बलन भी इंपॉर्टेंट है, और पुनर्बलन का सिद्धांत हल्का है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगी हल को भी, सब चीजें नहीं इंपॉर्टेंट है। इनके सिद्धांत जो ये आप पढ़ रहे हैं, इनके सिद्धांत का अप्लीकेशन आता है डायरेक्ट, नाम नहीं आएगा, स्किनर पावलो थाने एकदम ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसके सिद्धांत से। और गई लाइट कर दीजिए, ठीक है, और दूसरे का क्या था यहाँ पे, अगर हम जब भी देखें पुनर्बलन की बात कही जाए तो इनके सिद्धांत में पुनर्बलन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत नहीं दिया। गया आया ही नहीं अभी, एक मिनट, एक लोग सर को बुला लीजिए, कनेक्ट नहीं हुआ है नेट, नो कनेक्शन, वो चालू है, पानी ने पीना है, हाँ ना पानी पी लीजिए तब चालू करें, इतने पे स्टॉप कर लें, पानी पी के आइए, आज पानी लाए क्या, थक जाते हैं, खत्म कर देते हैं ना रोज। करने दो, ठीक, थोड़ा वेट करने दो, जो लोगों को पानी पी लीजिए, नहीं पी लीजिए,
उन लोगों को वेट करना सही है उनका। तुम बर्फ वाला पानी है, रात में बजा जमा देते हैं क्या? पैसा वसूल करते हैं, हम लोग कैसे वसूल करते हैं पता है? कटोरी में पानी रख के ना है भगोना, ऐसा भगोना जो फ्रीजर में आ जाए। वैसे नहीं, हम वसूल करते बाहर, जैसे आप अच्छी दुकानों पर जाएंगे तो वहाँ गोलगप्पे का दाम 20 रुपये है और 20 रुपये का पानी मिलता है, ठीक है? तो आप 20 रुपये का गोलगप्पा खाएंगे और जितना पानी ठंडा वो लाते हैं, ठंडा पानी होता है अच्छी जगह, तो फिर एक लीटर क्या 2 लीटर पी लीजिए, तो आप गोलगप्पा भी खा लिए 20 रुपये में, पानी भी पी लें, ऐसे वसूल कर हो गया। आप लोग पी लीजिए, रेस्ट करना है, थकान है तो आराम कर लीजिए, मुझे समझ में आना चाहिए बस, क्योंकि रिवीजन है ना तो थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, बहुत डीपली नहीं लेकिन आप समझ जाइए कि क्या था। हाँ कल जो स्थितिकरण कर रही थी ना, स्थितिकरण जो होता है, हाँ इष्टमीकरण है ना, यहाँ अनुमान और सन्निकटन, इष्टमीकरण और पत्रिप, हाँ उसको धारण करने से ही था जो कल कह रहे, मतलब इष्ट, अगर इष्ट उद्देश्य पूछे तो सबसे बड़े उद्देश्य, ठीक, इष्ट उद्देश्यों की बात करें। इष्टमीकरण मतलब क्या, उसको ऑप्टिमाइज करना, ऑप्टिमाइज मतलब क्या, आप उसको एक तरह से मॉडिफाई भी कर सकते या धारण कह सकते, किसी चीज़ को ज़्यादा संवर्धित करना या धारण करना, दोनों उसका अर्थ होता है ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? तो वही चीज़ दिया हुआ। दृष्टिकरण मतलब निरूपण, किसी चीज़ को दर्शाना, निरूपण का अर्थ। तर्कण मतलब तर्क, रीजनिंग, और उपपत्ति मतलब कोई चीज़ उत्पत्ति जैसे होती है वैसे उपपत्ति भी होती है, प्रूफ जो कहते हैं, जब हम मैथ सॉल्व करते हैं, रचना बनाते हैं तो उस पर उपपत्ति लिखते हैं ना, वही वाला टर्म है। और संबंध स्थापित करना, गणितीय संप्रेषण, सारी वही चीज़ है। अच्छा, अधिन्यास, उपपत्ति और निष्पत्यात्मक, निष्पत्ति मतलब क्या, कोई चीज़ रिजल्ट फाउंड हो जाए, निष्पत्ति जो चीज़ फाउंड हुई, परिणाम, ठीक है? और साकल्यवादी, परिहार, प्रतिवादी, प्रतिवादी एक तरह से आप ये कह सकते हैं, जो प्रतिवादी व्यवहार की बात करें तो वो आपका पावलाव का जो व्यवहार था वो प्रतिवादी कहा जाता है, जो चीज़ें आपकी जैविक होती हैं अगर व्यवहार कहें। और वैसे प्रतिवाद मतलब क्या होता है, वाद विवाद में आ जाता है, दोनों अलग टर्म, हाँ तो वाद विवाद मतलब क्या, उसमें जो आप संप्रेषण करते हैं एक दूसरे के मत, वो उस चीज़ें आ जाएंगी। सरोकार मतलब उससे क्या तात्पर्य है, ठीक, ये बुलाई लॉक वॉक हमसे नहीं खुलेगा, बफरिंग क्या करेगा, चला ही नहीं है, मन नहीं कर रहा है, तो हिंदी में लिखा था, फोन कर रहे हैं सब, कल बहुत गाली दिए थे बीच में, हम कह रहे थे कि जब आपको काटना है तो दोबारा बनाते क्यों है, तो हम उस पर कहते हैं नहीं बनाएंगे, अरे कहने दीजिए, गाली भी देंगे, गंदी गंदी गाली देते हैं, माँ बहन की फर्क नहीं पड़ता मुझे, किसी कहने से किसी को कुछ लगता नहीं है, लेकिन आप बताइए मेरी जगह यहाँ कोई दूसरा तो खड़ा नहीं होता जब से हम सुनना शुरू किए। हाँ अभी लगाए नहीं है, वेट करने दीजिए। अच्छा फोन आ रहा था क्या, अभी उसको डिफाइन कर दूंगी, ठीक है? अब देखिए यहाँ हमने देखा, जहाँ से आपने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, फिर ये जो आपका चूहा था इसको नहीं पता था, सॉरी स्किनर का चूहा था, आपका चूहा नहीं था, स्किनर का जो चूहा था इसको नहीं पता था कि यहाँ का लीवर है और उस लीवर पे हमको पैर रखना, लेकिन यहाँ नुक्रिया करते 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 उसे पता चल गया कि यहाँ पे लीवर है, और फिर वो उसने सीख लिया कि लीवर दबाएंगे तो भोजन मिलेगा, समझ गए? पहले उसको नहीं पता था, उसने सिर्फ अनुक्रिया की, रिस्पांस पहले आया,
बाद में स्टिमुलस आया, भोजन तो स्टिमुलस था, और वही भोजन स्टिमुलस जो बाद में आया इसलिए इसको पुनर्बलन कहते हैं। ठीक, तो इसने सीख लिया कि किस प्रकार से आपको भोजन प्राप्त होगा, कैसे लीवर दबाएंगे तो भोजन प्राप्त हो। हमको सिखाना है किसी को कुछ कि ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, तो ऐसे किया इन्होंने, लीवर दबाया और भोजन प्राप्त हुआ। तो निष्कर्ष क्या निकला कि ऐसी प्रक्रियाएं क्या हुआ बताइए। हर जगह पड़ा है, ज्यादा अनुक्रिया कर दिया था चूहे की तरह। हाँ ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तब हमने ये देखा इस सिद्धांत के अनुसार अगर हमें सेंटेंस बनाना हो तो अधिगम कैसे होगा, अधिगम पुनर्बलन से होगा। कैसे? जब हम कोई एक अनुक्रिया करते रहेंगे और सही हमको यहाँ पे मतलब बल मिल जाए, ऐसी चीजें मिल जाए कि हमको क्रिया करने को पुनः वो क्या करे, बलित करे, हमारे अंदर एक तरह से फिर से एनर्जी लाए, तो उसे कहेंगे पुनर्बलन। और ये क्या होता है, क्रिया के पुनः होने की संभावना को बढ़ा या घटा देती है। अगर ये पॉजिटिव है तो बढ़ा देगी और निगेटिव है तो घटा देगी। ठीक, पॉजिटिव को हमको बढ़ाना है और निगेटिव को कम करना है, क्योंकि हमको अधिगम घटाना नहीं है। पूछा जाए पॉजिटिव और निगेटिव को क्या करना है, जैसे धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन को कक्षा में कैसे मैनेज करें, तो अधिक से अधिक धनात्मक पुनर्बलन देना है और कम से कम ऋणात्मक पुनर्बलन आपको रखना है, मतलब जितना है उसको भी हटाते जाना, क्योंकि ये क्रिया के होने की संभावना कम कर देती। अब नैतिकता में अगर बात करें तो नैतिकता में जो कहते हैं दंड देना, दंड ये ऋणात्मक पुनर्बलन नहीं है, दंड और पुरस्कार अलग चीजें। स्किनर ने भी इसको बोला कि यहाँ पे दंड नहीं आएगा। दंड क्या होता है, वो नैतिकता बढ़ाने के लिए दिया जाता है ना, तो अगर दंड आपको दिया जाता है तो आपकी नैतिकता बढ़ती है ना, तो वो कहाँ से आपका ऋणात्मक पुनर्बलन हुआ, क्योंकि ऋणात्मक से तो चीजें घटती हैं। हमेशा सकारात्मक देखना हमको, अच्छी चीजें, खराब नहीं। कोई बच्चा बाप का गलती कर रहा है या कोई बच्चा तो ऋणात्मक दे सकते हैं, लेकिन वो ऋणात्मक पुनर्बलन नहीं है, वो दंड है, क्योंकि वो बार बार अनुक्रिया कर रहे हैं इसलिए आप नहीं दे रहे हैं, आप वो गलत अनुक्रिया ना करें इसलिए दे रहे हैं ना, तो वो नैतिक आपके दंड आप यूज कर सकते हैं। जब भी ऐसी प्रक्रिया मतलब आपको शारीरिक दंड नहीं देना, मानसिक दंड नहीं देना, नैतिक दंड देना है जिसको, जिससे ना तो उसको शारीरिक मानसिक क्षति पहुंचे और वो समझ भी जाए ये चीज़ गलत है और दोबारा उसको ना करे। तो यहाँ इन्होंने यही सिद्धांत बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्रिया को की होने की संभावना को बढ़ा देती हैं ना, वो होती है पुनर्बलन। तो इनके सिद्धांत से क्या कि जब बच्चों का पुनर्बलन देंगे तो बच्चे ज्यादा सीखेंगे या पुनः सीखने की संभावना क्या आ जाएगी, बढ़ जाएगी। यही स्किनर का सिद्धांत, ये नहीं कि पुनर्बलन दीजिए, ये सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धांत है कि पुनर्बलन अगर देंगे तो सीखने की पुनः संभावना क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये कैसे देते हैं पुनर्बलन बच्चों? अब ये हाँ देख लीजिए, एक तो होता है सतत और असतत, मतलब लगातार सभी सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन देना सतत पुनर्बलन कहा जाता है, और रुक रुक के देना क्या कहता है, कहा जाता है असतत। इसको पूर्ण और आंशिक भी कह सकते हैं। ठीक सर, धनात्मक ऋणात्मक प्रकार आप जान ही रहे। यहाँ पे हमें जो करना है काम, जैसे हमेशा कोई पुनर्बलन आप किसी को बार बार दे रहे तो वो क्या करेगा, उब जाएगा। अच्छा वेरी गुड, हर बात पे वेरी गुड ठीक है, वेरी गुड तो जनरल चीज़ है, शुरू में अच्छा लगेगा दो चार दिन, फिर क्या करेगा, उब जाएगा। क्या हुआ, गर्मी लग रही है, आइए इधर। ठीक, यहाँ पे आंशिक पुनर्बलन पूर्ण के अपेक्षा ज़्यादा प्रभावी होता है, कि कौन से भी पुनर्बलन मिल जाएगा, इसलिए सभी अनुक्रिया करते रहेंगे। आपको यहाँ कक्षा के अनुरूप एडजस्ट करना है कि कौन सा पुनर्बलन देना है और कौन सा नहीं देना है, समझ में आया। लेकिन पुनर्बलन का जो टर्म है वह आपका टर्म है कि जो क्रिया के पुनः होने की संभावना को बढ़ा देता है। अब आपने स्किनर को देख लिया, आप किसको देखना है,
थंडाइक बची हुई है, अरे थंडाइक कहाँ छूट गया। सीखने का सिद्धांत पूछे तो थंडाइक का नाम ही आप रखेंगे। इन्होंने दो प्रकार के सिद्धांत दिए, मुख्य और गौर। ऐसे सिद्धांत जो अनिवार्य हैं सीखने के लिए उनको मुख्य सिद्धांत, और जो सहायक है उनको गौर सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, मुख्य सिद्धांत में आपके तीन पोर्शन हैं, तत्परता, प्रभाव, अभ्यास। गौर में पांच, बहुअनुक्रिया, आंशिक क्रिया और मनोवृत्ति, सादृश्यता और साहचर्य अनुबंधन। ये पांच आपके हुए, एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच। रटना नहीं पड़ेगा, अभी एक्सपेरिमेंट समझ जाएंगे। तो इसमें भी पिजड़ा, इसमें क्या थी बिल्ली, उसकी पूंछ कैसी होती है, टेढ़ी तो नहीं होती, माना बिल्ली है, फिर से मान लिया कैट। ठीक है, माना ये बिल्ली है थंडाइक की। अब बिल्ली को इन्होंने पिजड़े में बंद किया, कंडीशन ये थी बिल्ली क्या हो, भूखी हो। तो जरूरी नहीं है भूखी रही हो, उसको नाप थोड़ी रहते कि भूख लगी है, क्या मीटर है क्या कि भूखी है नहीं है, आप कैसे नापेंगे। लेकिन क्या भूख तो लगनी है आज, नहीं तो कल। ठीक, जब भूख लगी तो ये क्या कि थोड़ी देर उछली कूदी, फिर बैठ गई। बैठने के बाद क्या हुआ, ठंडक देखा ये तो प्रयास ही नहीं कर रही, इसमें यहाँ पे भी लीवर था और वो लीवर से ये पूरा दरवाजा खुल जाता था। फिर उन्होंने क्या किया, मछली एक प्लेट में रखी, अरे यार ये मछली लग रहा है ना, हाँ मछली रखा प्लेट में। और मछली प्लेट में रखा क्यों रखा, बिल्ली का प्रिय भोजन मछली। दूसरी चीज, बिल्ली की नाक बहुत तेज होती है, दो कंडीशन है, मछली महकती बहुत ज्यादा है ना, दूध कम महकता है, मछली ज्यादा महकती। तो यहाँ पे क्या, इसकी जब महक इसकी नाक में पड़ी और उसको लगी थी भूख, लगी उछलने कूदने, उछली कूदी सलाखों के पास गई, उसमें से झकझोरा निकलने का प्रयास किया, ऐसे ऐसे पकड़ी थोड़ी होगी, उसके पंजे थोड़ी होते, मतलब हिलाया होगा, आप तो एकदम सब जो बोलते वही मान लेते हैं, मतलब उसको हिलाया होगा, उसमें से निकलने का प्रयास किया होगा, सब कुछ किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ ही नहीं कुछ। अचानक गलती से इसका पैर लीवर पे पड़ गया और ये बाहर गई, और फिर आराम से खा के चली आई ना, बेवकूफ भाग जाएगी, पकड़ के थंडक ने बंद कर दिया। कहानी सुन रहे हैं आप लोग, तभी सब कहते टाइम पास करती हैं, और कहानी ना सुनाए तो बोर ना हो जाए। हम लोग ऐसे सीखे कहानी कहानी, नहीं तो इतने सिद्धांत कहाँ किसी को नहीं याद रहते। आप देखिए इसको फिर पकड़ के बंद किया, फिर की धीरे धीरे ये सीख गई कि लीवर है। आप देखिए ये जो स्टिमुलस था, ये भोजन, भोजन पहले रखा ना, उद्दीपक, उद्दीपक मतलब यहाँ एस पहले आया, अनुक्रिया से तो सीखी नहीं, सीखी तो एस से, यहाँ उद्दीपक इन्होंने यूज किया तो एस, और इसने जो खोला वो क्या था आर, बीच में बंद बना ऐसा बंद सिद्धांत इसलिए इसको कहते हैं। तो इसे कई रिस्पांस किए, R1, R2, R3, R4, एक रिस्पांस सलाखों के पास गई, दूसरा रिस्पांस सलाखों को झकझोरा, तीसरा रिस्पांस उसमें से निकलने का प्रयास किया, चौथा रिस्पांस जो था वो लीवर दबाया। तो ये सारी त्रुटि हुई कि नहीं, क्या इससे खुला, तो इसको क्या कहेंगे त्रुटि। और इसने क्या किया बार बार, प्रयास। तो कौन सा सिद्धांत हुआ ये, त्रुटि और प्रयास, समझ में आ रहा है। अब देख कई रिस्पॉन्स उसने किए और धीरे धीरे क्या किए, अब जब दूसरी बार जाएगी तो थोड़ी इस फिर से लाखों को पटकेगी, तुरंत सीख जाएगी, बड़ी बुद्धिमान है। 99 100 इतना मतलब कई अटेम्प्ट इसने किए थे तब जाके उसने सीखा था,
लेकिन क्या हुआ था, धीरे धीरे करा ना कम, तो क्या कहा स्टिमुलस से ज्यादा, मतलब धीरे धीरे क्या होता है इसका रिस्पॉन्स जो है सही हो जाता है, त्रुटियां कम होने लगती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि स्टिमुलस के प्रति अगर ये तत्पर नहीं होती तो कभी नहीं सीखती कि लीवर दबा के दरवाजा सीखना, बस दरवाजा खोलना है, सिखाना क्या है सिर्फ दरवाजा। अब हम बस दीपक से सिखाते हैं, कभी कभी ऐसे ही अनुक्रिया से सीख लेता है। तो थांडाइक ने उद्दीपक से सीखा, अब ये तत्पर हुई, दौड़ी कूदी, तो ये तत्परता का सिद्धांत हो गया कि बिल्ली तत्पर होती नहीं है, नहीं अगर जाती ही नहीं, न त्रुटि करती, न प्रयास करती, तो कभी दरवाजा नहीं खोल पाती। अब उसको भोजन तो मिल ही जाता, मरने थोड़ी देते, लेकिन सीखती तो नहीं। दूसरी चीज, अब अभ्यास तो हमेशा दोबारा होता है ना, लेकिन भोजन तो उसको पहली बार में प्राप्त हुआ, तो प्रभाव दूसरे नंबर पे आता है। ठीक, मतलब जब ये गई और इसको प्रभाव मिला, दो प्रकार का प्रभाव होता है, संतोषजनक और असंतोषजनक। अगर इसको यहाँ पे मछली नहीं मिलती तो असंतोषजनक होता, वो नहीं सीखती, ये थांडाइक ने कहा। और अगर मछली मिल गई सीख लिया, लेकिन कभी कभी हम फेल हो जाते हैं और ज्यादा मेहनत करके पास हो जाते हैं। बाद में इसी सिद्धांत में संशोधन हुआ, कि सिद्धांत प्रभाव के सिद्धांत में, कि जरूरी नहीं है कि असंतुष्ट हो जाए तो सीखे ही ना, हो सकता है और स्पीड से भी सीखे और हो सकता है ना भी सीखे, वो कंडीशन डिपेंड है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि नहीं सीखेंगे, इन्होंने पहले कहा था कि नहीं सीखेंगे, इन्होंने संतोष प्रत को रखा था। ठीक, अब बार बार इसने अभ्यास किया तब जाके इसकी त्रुटियां कम हुई, इसलिए इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, अभ्यास का, करत करत अभ्यास। हमारे भारतीयों ने बहुत पहले सिद्धांत दे दिया है ना, अभ्यास का। और भी चीजें दी थी, काग चेष्टा स्वान निद्रा, वही स्वान पकड़ के कहीं पावलाओं ने एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर दिया था, चीजें थी पर एक्सपेरिमेंटल रूप से प्रूव नहीं थी। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल रूप से इसको प्रूव करके क्या किया यहाँ पे, और मॉडिफाइड किया कि हाँ हम मानने को तैयार हो जाए कि ये चीजें वास्तव में होती है, और ये सारी चीजें यूज करते, तो ये मुख्य सिद्धांत हो गया। गॉड में इसने कई अनुक्रियाएं करी ना, अतः सिर्फ एक अनुक्रिया से कोई भी नहीं सीखता, कई प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। जैसे दरवाजा बंद है तो ताला है, तो चाबी भी कहीं रखी है, तो भले उसकी चाबी न हो तो हम चाबी भी ले आके खोलने का प्रयास करते हैं, कुंडी भी तोड़ने का प्रयास करते हैं, दरवाजा भी तोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक, क्योंकि पता चलता है बाहर से कोई आता है और खोल के अंदर आ जाता, खुल जाता। तो जरूरी नहीं है कि एक ही अनुक्रिया से लोग सीखें, बहुत सारी अनुक्रियाएं करके एक साथ सीखते। दूसरा आंशिक क्रिया, जैसे आपको पता है कि ताला कैसे खुलता है, लेकिन क्या डायरेक्ट आप ताला खोल देते हैं, नहीं आप बैठे हैं कोई बेल बजाया, आप उठेंगे चाबी ढूंढेंगे ताले के पास जाएंगे, ताला में डालेंगे चाबी, घुमाएंगे, खोलेंगे, उनको अंदर लाएंगे, तो कई छोटी छोटी क्रियाएं हुई अंश में, लेकिन खुला तो ताला ही, तो वो आंशिक क्रिया। मनोवृत्ति, अगर लाख आप ठान ही ले कि नहीं इनसे नहीं पढ़ेंगे, जैसे सब यहाँ ठान के बैठे, पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं, फिर तो क्या है, नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं पढ़ेंगे, चाहे नाक रगड़ दे। तो मनोवृत्ति बालकों की होनी आवश्यक है। फिर सादृश्यता, सादृश्यता से आप क्या समझते हैं, एक ही जैसा दृश्य, आप कल को उसको दूसरे पिंजरे में जैसे ये पिंजरा था वैसे पिंजरे में बंद करेंगे तो तुरंत लीवर खोजेगी कि नहीं, सीखी थी ना, खोजेगी, एक ही जैसा दृश्य। और साहचर अनुबंध, मतलब उससे रिलेटेड किसी अन्य भिन्न परिस्थिति में भी उसका यूज करना, जैसे कुएं में गिरेगी तो भी लीवर खोजेगी, घर में गलती से बंद हो गई तब भी लीवर खोजेगी, वो सेम पिंजरे की जरूरत नहीं, मतलब उस प्राप्त ज्ञान का अन्य भिन्न स्थिति में यूज। तो ये आपके गौण सारे सिद्धांत होते हैं, समझ में आया। इसमें एक और चीज जो हम पढ़ रहे हैं, ड्राइव, जो आपके अभी प्रेरणा में था, डायरेक्टली सिटेट में किसी भी आप चीज को नहीं देखेंगे, इनडायरेक्टली सेंटेंस में आपको मिल जाएगा, वो जब हम एनालिसिस करते जब बताते हैं तब आपको समझ में आता है। लोग कहते थे ये तो सिद्धांत आता ही नहीं, लेकिन व्यवहारिक जो सिद्धांत है वो तो व्यवहारवादी शिक्षण में आएंगे, तो कहीं ना कहीं अभ्यास, कहीं ना कहीं आपकी तत्परता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आएगा। ठीक, समझ गए।
इसमें ड्राइव था, इसके अंदर भूख, अगर वो भूख नहीं रही होती तो सीखती नहीं, तो अर्थात इस प्रक्रिया में अभिप्रेरणा भी तो है। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन सिद्धांत इनका यही है। ठीक, समझ गए। नेक्स्ट है किसका, ब्रूनर का पहले ही बता दिया ना, बंडूरा। चलिए इनका भी देखिए, बंडूरा का क्या है यहाँ, कुछ लोग सूझवादी थे, कुछ लोग व्यवहारवादी थे। इन्होंने, इनका अधिगम का नाम ही है सामाजिक अधिगम, इन्होंने एक टर्म जोड़ा समाजवाद, समाज। आप कहेंगे सिर्फ समाज से बच्चा सीखता, नहीं, तीनों के बीच अंतःक्रिया से बालक सीखता है, सूझ व्यवहार और समाज। जब तीनों के बीच अंतःक्रिया होती है तभी बालक सीखता है। ये किसका सिद्धांत है, मंडूरा। कैसे सीखता है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। मैं बता रही हूं, अटेंशन मतलब अवधान, रिटेंशन मतलब स्थायित्व, रिप्रोडक्शन मतलब पुनरुत्पादन, और मोटिवेशन मतलब अभी प्रेरणा। अगर बंडूरा का सिद्धांत है, पूछे बच्चा कैसे सीखता है, तो बच्चा सीखता है अवलोकन से, ऑब्जर्वेशन। ठीक, बच्चा कैसे सीखेगा, अवलोकन से, किसके अनुसार, बंडूरा। कैसे अवलोकन आया, कहां देखेगा, किस चीज का अवलोकन करेगा, इस समाज में। पहले किसी चीज के प्रति वो अटेंशन में आता है, ठीक, अवधान में आता है, ऐसी स्थिति कहते ना, अटेंशन मतलब आप सचेत हो गए कि अब कुछ होने वाला है, किसी चीज के प्रति सचेत होना, अटेंशन। फिर किसी चीज को, किसी चीज का संरक्षण करना, या उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन होता है तो उस ज्ञान का स्थायित्व करना, चीजों को सीख लेना, फिर उसका पुनरुत्पादन करना नए रूप में, और किसी न किसी अभिप्रेरणा से। अब देखिए अवधान कहाँ से आएगा, सूझ से, मस्तिष्क से। स्थायित्व कैसे आएगा, जब उसको बार बार करेंगे स्थायित्व होगा, और दिमाग में स्थायित्व होगा, अर्थात सूझ और व्यवहार के बीच अंतःक्रिया हुई, फिर पुनरुत्पादन करेंगे तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं समाज पर पड़ेगा। तीन तीनों के बीच अंतःक्रिया हुई, और अब प्रेरणा कहाँ से मिलेगी हमको, समाज से अब प्रेरणा मिलेगी, सूझ से भी मिलती है। सूझ में क्या है, आंतरिक भी है लेकिन बाह्य भी है, तो ये इन सूझ और समाज के बीच अंतःक्रिया होगी कि नहीं, अर्थात इन तीनों के बीच अंतःक्रिया से बालक सीखता, इसलिए इसको सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। समझ में आए, अभी बताती हूँ। काफी चीजें सेम है, लेकिन उन्होंने समाज का नाम नहीं लिया, उन्होंने आपसे वरिष्ठ का नाम लिया, और उन्होंने एक एरिया कैप्चर कर दिया कि इसको बढ़ाना है। ठीक, मैं अभी बता रही वाइगोत्स्की, इनके बाद बढ़ा दूं। अब यहाँ समझ में आया इतना, इनका तो समझ में आया ना, अब वाइगोत्स्की को देख लीजिए, अगर आप पूछ रहे हैं इस प्रकार, तो वाइगोत्स्की को इनका बताया था, ZPD, MKO, एक्सेट्रा, ये विकास का सिद्धांत है, वो अधिगम का सिद्धांत था, ये विकास, ये वाला विकास का है ZPD, लेकिन इसको हम अधिगम से भी जोड़ते हैं। कुछ चीज़ें हम स्वयं से कर लेते हैं, और हर चीज़ें स्वयं से नहीं कर पाते, किसी वरिष्ठ के साथ अंतःक्रिया करके, या उसके सहयोग से, सहभागिता से हम अपने विकास क्षेत्र को बढ़ाते हैं, और इसी बढ़े हुए विकास क्षेत्रों को ZPD या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता हो, भले आपसे छोटा लेकिन क्रिकेट में आपसे ज़्यादा रखता हो, तो आपसे बढ़िया बता ले, तो आपको बताएगा कि इतने प्लेयर होते हैं, कि आउट है कि नहीं, नो बॉल है, वाइट है, क्योंकि वो हमेशा देख रहा है,
तो उसमें आपसे वरिष्ठ है कि नहीं उस नॉलेज में, ठीक। तो मोर मतलब आपसे वरिष्ठ के साथ हम क्या करते हैं, परस्पर अंतक्रिया करके अपने विकास क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। यही चीज अधिगम में भी है। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी अवलोकन करेंगे, देखेंगे, अनुकरण करेंगे, ठीक, मॉडिफिकेशन करेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमको सिखाना है, जो सिखाने वाला है और जो सीखने वाला है उसको किस प्रकार सीखना है। हाँ बिल्कुल, आप परस्पर अंतक्रिया इसमें शब्द एकदम याद कर लीजिए। जो आपसे वरिष्ठ या अन्य समाज के प्राणी है, जो भी जिनसे आपको सीखना है, जो आपको सिखा रहे हैं, उनसे परस्पर आप अंतक्रिया करके सीखते हैं। लगभग यही वंडोरा का भी, लेकिन उसमें समाज बोला गया और इसमें MKO बोला गया, तो है तो वही चीजें तो घुमा फिरा के इधर उधर आपके सामने आएंगी, लेकिन इसमें और उनके सिद्धांत में काफी डिफरेंस है। सांस्कृतिक से तात्पर्य इनका यही है, जो मोर नॉलेजेबल अदर है वो किसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से तो है। ये भी वाइगोत्स्की का भी समाजवाद था, मतलब समाजवादी सिद्धांत इसमें भी है, वही चीज बंडरन में। लेकिन बंडरन क्या, अटेंशन रिटेंशन रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, उन्होंने सूझ और व्यवहार को भी अंदर रखा समाज के साथ, लेकिन इसमें और चीज़ों को नहीं रखा। इसमें बोला कुछ चीज़ें आप खुद से करेंगे, वैसे तो है सूझ, लेकिन सूझ की बात इन्होंने नहीं की, और कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ें किसी की सहायता से परस्पर अंतक्रिया से कर सकते हैं वही आपका डेवलपमेंट जोन होता है। इसी को हमें बच्चों का बढ़ाना है, जितना अच्छा हम उनको उनके साथ अंतक्रिया करेंगे, जितना ज़्यादा उनको नॉलेज दे सकेंगे, उतना ज़्यादा ये क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा। समझ में आए? वाइगोत्स्की पढ़े तो पियाजे भी थोड़ा सा देख लीजिए। इनका दो सिद्धांत है, एक तो विकास का सिद्धांत है और एक अधिगम का सिद्धांत है, और नैतिक का भी है। वेरी गुड, नैतिकता का इसमें नहीं पढ़ने क्योंकि वो इम्पोर्टेंट। विकास अलग बोले, अधिगम अलग है। बालक सीखता कैसे अलग है, और बालक का विकास कैसे होता अलग है। विकास वाले में इन्होंने जो बोला है उसमें चार स्टेज दिए हैं, संवेदी, गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। जन्म से दो, दो से सात, सात से ग्यारह, ग्यारह से पंद्रह या उसके बाद भी, ठीक। आप देखिए संवेदी गामक आपका जो अवस्था है वो शैशव अवस्था से कोलैप्स कर जाएगा, तो जो गुण शैशव अवस्था के बालक में वही संवेदी गामक होंगे कि नहीं, होंगे कि नहीं। लेकिन इसमें कुछ नए शब्द जो मतलब यूज किया है, जो उन्होंने चूज करके इसमें मॉडिफाइड किया है, जैसे सामाजिक चतुर होते हैं संवेदी गामक, बहुत सारे नए वर्ड, और क्या विकेंद्रित होते हैं। अब देखिए विकेंद्रित क्यों होते हैं, खुद से अच्छे से चल नहीं पा रहा है, दो साल का बच्चा खुद से बोल नहीं पा रहा है, अच्छे से बता नहीं पाता, तो दूसरे पर डिपेंड होता है, शक्तियों को दूसरे को सौंपना। जैसे कहते हैं न्याय, जो आपका ग्राम पंचायत है इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो शक्तियों का विकेंद्रण, जो सेंट्रल के पास है कुछ शक्तियाँ, राज्य के पास है कुछ, जिले में कुछ, तहसील में है कुछ, आपके ग्राम में ग्राम पंचायत के पास सबकी अपनी शक्ति। तो यहाँ यहाँ क्या है, ये पूरी तरह डेवलप नहीं होता शारीरिक रूप से, तो यहाँ क्या होता है, दूसरों पर डिपेंड होता है, तो इसमें विकेंद्रण होता है। बाकी सारी चीज़ें इसकी शैशवावस्था से कोलैप्स कर लीजिए, ठीक। कैसे याद करेंगे, शैशवावस्था आप पढ़ते ही हैं तो सारी चीज़ें इसमें आपको दिख जाएगी। इसमें जो यही विकेंद्रण आत्मकेंद्रण हो जाता है, ठीक। दो से सात वर्ष का बच्चा आत्मकेंद्रित होता है पियाजे के अनुसार। जब भी किसी के अनुसार पूछे तो उसका क्या तात्पर्य है, अर्थात उन्होंने जो कहा है हम वही कहेंगे, हम अपनी लॉजिक नहीं लगाएंगे। आप देखिए इसमें और चीजें जो है देखनी आपको, इसको दो चीजों दो भागों में बांटा गया है, पूर्व तत्यात्मक या पूर्व गयात्मक और आंत प्रज्ञ।
ठीक, दो से चार, चार से सात। अब देखिए यहाँ पे इस अवस्था में दो से चार में क्यों कैसे बहुत पहुंचता है, इसको खोज की अवस्था भी कहते हैं। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या लाए हो, क्यों हो गया, बहुत सवाल जवाब करता है बच्चा। तो पूर्व प्रत्यात्मक मतलब प्रत्यय बनाने की पूर्व की अवस्था, और इसमें कुछ प्रत्यय कुछ संकेत बनाने लगता है। लेकिन जो संकेत बनाता है उसकी क्वालिटी आप देखिएगा अब, कि एक साइड तो जाता है दूसरा साइड नहीं जाता। विचारों की अविलोमीयता, ठीक, क्या हो गया, विचारों की अविलोमीयता, मतलब एक साइड तो जाएगा वापस नहीं आएगा। जैसे उस दिन वो आपका एग्जांपल था कि दो ग्लास भरी हुई थी बराबर, फिर उसको एक लंबी ग्लास में और एक चौड़ी ग्लास में किया, तो इसका लेवल कम था, इसका लेवल ज़्यादा, और बच्चों ने कहा ये ज़्यादा है, जबकि ये आधी आधी ग्लास ही है। तो एक साइड तो गया लेकिन वापस नहीं गया कि यहाँ बराबर है। तो विचारों की अविलोमीयता यहाँ पे, देखिए इररिवर्सिबिलिटी, ठीक। अब इसके बाद मतलब संकेत बनाता है, तर्क करना शुरू कर देता है यहाँ से, यहाँ तर्क के पूर्व की अवस्था, यहाँ जानना चाहता है हर चीज कि क्यों कैसे ये सब चीजें। तो बहुत ज्यादा जो मेंटली ग्रोथ कर जाते हैं तो पूछने भी लगते हैं, ये एक्सपेक्टेड उन्होंने बताया है, एग्जैक्टली हर बच्चा ऐसे नहीं डेवलप करता। लेकिन यहाँ बोला गया कि पूर्व प्रत्यात्मक प्रत्यय बनाने के पूर्व की अवस्था, इसमें क्या बनाने लगता है, लेकिन अविलोमीय तर्क करना स्टार्ट करता है, लेकिन अविलोमीय जो तर्कना होती है, जैसे आपका मल्टीपल प्लस गुणा भाग जो करते हैं, वो सारे फंक्शन इसमें उतने अच्छे से नहीं कर पाता। कहाँ करेगा, मूर्त संक्रियात्मक में, इसमें सारी चीजें कर लेगा। कब, सात से, मतलब मैं देखी हुई वस्तुओं, देखी हुई वस्तुओं को नहीं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो बना ही रहा है आप जो बता रहे हैं उसको भी, लेकिन वो एक ही साइड जा रहा है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को मूर्त अवस्था में, आप जो कह रहे देखी हुई नहीं, उसका कंक्रीट रूप जो संप्रत्यय है उसका मूर्त रूप बनाना शुरू करता है। और यहाँ क्या बनाता है, अमूर्त, मतलब चिंतन, बस इतना अंतर है, इसमें मूर्त होता है इसमें अमूर्त। गर्द की ज्यादातर संक्रियाएं इसमें कर लेता है, शुरू यहाँ से करता है। और देखिए 7 साल का है तो प्राइम एक कक्षा एक में गया तो गिनती सीखा होगा, फिर 2 में जाएगा, वही 7 तो यहाँ भी है, तो 2 ही में तो यहाँ भी चलाया, तो वहाँ धीरे धीरे जोड़ घटाना गुणा भाग उसको सिखाना शुरू कर देते। तो इस प्रकार से इनकी अवस्थाओं को देखें तो अवस्थाओं के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है। लेकिन अधिगम का जो सिद्धांत है इनका, उसको 3 भागों में बांटा गया है। और क्या विकास ही तो कर रहा है बालक, कैसे बढ़ रहा है, ठीक। अब देखिए अधिगम जो करेगा वो 3 अवस्थाएं हैं, अवस्था क्या स्टेप है, संगठन, संरक्षण और अनुकूलन, आत्मसातीकरण, समाविष्टीकरण, ठीक। पहले चीजों को वो संगठित करता है, इसमें एक टर्म आता है स्कीमा, सुना होगा, क्या होता है स्कीमा, क्या होता है स्कीमा, पहले बता लेंगे, यहाँ भी बता ले, कुछ काफी देर से बात नहीं की। बताइए स्कीमा क्या होता है, स्कीमा होता है पैटर्न, जो आपके मस्तिष्क में संरचनाएं बनती हैं सूचनाओं की, उसको कहते हैं स्कीमा। तो वो क्या करता है, कई चीजों का पैटर्न बनाता है, उनको संगठित करता है, सूचनाओं को संगठित करता है, सुनता है कि इनका नाम ये है, इनका नाम ये, जैसे बकरी और कुत्ते वाला एग्जांपल आपने सुना था, सफेद बकरी और सफेद कुत्ता। फिर उस ज्ञान को संरक्षित करता है,
संरक्षण में क्या करेगा, स्थायित्व करेगा, और जो परिवर्तन योग हो गए उसको परिवर्तन करके ज्ञान को संरक्षित करता है, उसके बाद अनुकूलन करता है। मुख्य यहाँ से चेंजिंग आती है। अनुकूलन में क्या करता है, पहले तो चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, आत्मसात करता है कि हाँ ये चीज़ होती है, फिर उस प्राप्त ज्ञान को नई परिस्थिति में भिन्न तरीके से क्या करता है, व्यक्त करता है। वो क्या होता है, समाविष्टीकरण। ठीक, तो यहाँ पे जो चीज़ें आपकी वो अधिगम से रिलेटेड है, और जो वो पहले आपने पढ़ा वो किससे रिलेटेड है, विकास से। उस विकास में भी बताता है कि बच्चा कैसे सीखता है, लेकिन मुख्य रूप से अधिगम कैसे करता है, पियाजे के अनुसार संगठन संरक्षण अनुकूलन। ठीक, अभी एक टर्म आपने यूज किया था हल का, उसको भी देखिए कि बस करें हल भी देख लीजिए। अरे ये सीखने के स्टेप हैं, जब जिस अवस्था में जिस अवस्था में रहेगा, जैसे आत्मसात कर रहा है समावेश नहीं कर पा रहा है, आप जाने पूर्ण संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक है। मूर्त में क्या, चीज़ों को वो तर्कणा करने लगता है, वो चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगता है, रिवर्सिबल होने लगता है, तो वहाँ पे आत्मसात और समावेष्टि आराम से कर लेगा, और औपचारिक में तो सब कुछ कर लेगा। लेकिन छोटा बच्चा संवेदीगामक में हो सकता है चीज़ों को संगठित करता ही रह जाए, फिर धीरे धीरे संरक्षित करते हैं, फिर आप अनुकूलित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हल का नाम आपने लिया, जो पुनर्बलन में इनका सिद्धांत, देखिए अभी आपने एसआर पढ़ा था, कहते सिर्फ डायरेक्ट बंध बनता है, लेकिन हल ने कहा यहाँ डायरेक्ट बंध नहीं बनता, यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब एक संगठन जिसमें आपकी आदतें होती हैं, स्टिमुलस रिस्पांस और ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, उसमें क्या होती है, आपकी आदतें भी होती हैं और भी कई चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलता है। इनका सिद्धांत को दोलन न्यूनता सिद्धांत भी कहते हैं। दोलन न्यूनता सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ड्राइव रिडक्शन, ड्राइव वही है जो भूख। इन्होंने कहा जैसे जैसे आपको आप संतुष्ट होते हैं, हेलो जी बताइए, हाँ 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 हाँ, कहाँ से आप, कहाँ पर पहुँचे हैं, आप यहाँ करिए, एक काम करिए, टीडी कॉलेज में हमें वहीं दे दीजिए, हम टीडी कॉलेज के पास हैं, आप यहाँ आइए तो फ़ोन करिएगा। अनुपम रेस्टोरेंट देखा है ना आपने, टीडी कॉलेज में अनुपम रेस्टोरेंट, हाँ जस्ट वहीं पे हैं। ठीक ठीक, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। अब अनुपम रेस्टोरेंट नहीं बुलाया उनको, वो पार्सल देने आए हैं, और जाएंगे घर, हमारे घर जोने उतामा ना पहुँचत पहुँचत हेरा जाइए, हाँ और क्या, नदी नहा ली है। अब दोलन न्यूनता सिद्धांत जो था, मतलब जैसे जैसे आपकी भूख कम होगी वैसे वैसे आप सीखेंगे, मतलब बहुत भूख लगे रहेगी कर तो लेंगे लेकिन उतना नहीं सीखेंगे, जैसे जैसे आप संतुष्ट होंगे वैसे वैसे आप सीखेंगे। संतुष्ट कैसे होंगे, पुनर्बलन से। ठीक, इसीलिए इस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते। बस इनका यही एक लाइन समझिए कि जैसे जैसे हमारी भूख कम होगी वैसे वैसे हम ज़्यादा सीखेंगे। जैसे बिल्ली ज़्यादा भूखी रहेगी उतना नहीं सीखेगी, जैसे उसको थोड़ा संतुष्ट हो गई, मतलब एक बार भोजन कर लिया तो फिर ज़्यादा सीखती। एक्सपेरिमेंट इन्होंने नहीं कहा, लेकिन इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसमें ठीक है, उसमें आपको समझना है। ठीक है, बोलने दीजिए जिसे बोलना है। उसके बाद अगर एक और ऐसे ही आप देखें, एक और सिद्धांत है गुथरी का, नाम सुने रहिए, कहीं कहीं यूज करता है। तो इनके सिद्धांत को समीपता का सिद्धांत कहते हैं। अब ये स्टिमुलस और रिस्पांस, मतलब जो आप, आपको जो स्टिमुलस है आपका जितना नज़दीक होगा, मतलब जितनी जल्दी आपको चीज़ें प्राप्त होंगी, जितनी समीपता होगी, जितनी कम दूरी होगी उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। बस नाम सुनिए, गुथरी का
समीपता का सिद्धांत, टालमैन का सिद्धांत जो था, इन्होंने भूल भुलैया बनाई थी, ठीक, भूल भुलैया जो बनाई थी उसमें देखा इन्होंने, टालमैन का सिद्धांत समझ लीजिए, एक ग्रुप इन्होंने जो भेजा चूहे का उसको पुनर्बलन मिला, उसने भी गोल को प्राप्त किया, और एक ग्रुप भेजा जिसको पुनर्बलन नहीं दिया वो भी गोल प्राप्त किया, ठीक। इन्होंने जो सिद्धांत में अपना बोला वो संज्ञानात्मक मानचित्र, पूछा जाए संज्ञानात्मक मानचित्र की बात किसने की, कॉग्निटिव मैप, तो टालमैन ने की। देखिए पॉइंट पिन पॉइंटेड आपके वर्ड हैं, समझ रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने जो अलग अलग इन्होंने चीजें करी है, अलग अलग चीजों इन्होंने, अलग अलग चीजों को लेके इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट्स को लेके इन्होंने आपके जितनी भी सिद्धांत, जितने भी सिद्धांत सबको दिया है, और उन्होंने ये बताया, किसी ने कहा कि जितना समीप होगा सीखेगा, किसी ने कहा जितना पुनर्बलन मिलकर संतुष्ट हो जाएगा ड्राइव कम होगी वैसे सीखेगा, किसी ने कहा कि पुनर्बलन देंगे सीखेगा, कोई कहा अभ्यास करेंगे तो सीखेगा, कोई कहा तत्परता से सीखेगा, देख रहे हैं ना, इतने प्रकार होते हैं, इतनी चीजें होती हैं जो अपनी कक्षा में आप यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम सिद्धांत, इन्होंने कॉग्निटिव मैप बताया कि लोग जो सीखते हैं वो एक कॉग्निटिव मैप बना लेते, आप पुनर्बलन दीजिए या ना दीजिए उस पर नहीं डिपेंड करते, जो उनकी मानसिक जो मैप बनता है उनके दिमाग में उससे वो सीखते हैं, ठीक। एक आपका इनका नाम था अभी, और रेमड में कई नाम है ना, फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, उनका जो व्यक्तित्व का आप सिद्धांत पढ़ते हैं इदम अहम पराहम, अब मनोविश्लेषणवाद तो आपने पढ़ा होगा, उसको बहुत डीपली पढ़ना भी पड़ेगा आपको, ऐसे स्वप्न विश्लेषण वगैरह इसी से जन्मा है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, इलेक्ट्रा और वो सब बहुत सारी चीज़ें कही है ना, वो सारे सिद्धांत में आ जाता है। अधिगम का सिद्धांत उन्होंने डायरेक्टली फ्रायड ने नहीं दिया, लेकिन अधिगम में जब मनोविश्लेषणवाद घुसेगा तब फ्रायड का नाम आप लेंगे। यहाँ पे कार्ट लेविन की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने जो बात कही वो एक लाइफ स्पेस की बात कही, इस लाइफ स्पेस को बढ़ाने के लिए कुछ चीजें आपके पॉजिटिव होती हैं, कुछ निगेटिव, निगेटिव क्या करती हैं घटाती हैं, और पॉजिटिव उस लाइफ स्पेस को बढ़ाती हैं, तो हमें इस लाइफ स्पेस को बढ़ाना है, और यही बढ़ाना अधिगम कहा जाता है, और किस वातावरण में होता है ये, मनो वैज्ञानिक वातावरण, इनके सिद्धांत का नाम जानिए बस, क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत, कर्ट लेविन, लेविन कर्ट ने क्या कौन सा सिद्धांत दिया अधिगम का, कर्ट लेविन ने जो सिद्धांत दिया उसमें, अच्छा वो जो क्षेत्र था वो कौन सा क्षेत्र होगा, मनोवैज्ञानिक, ये इसको धनाकर्षण और इसको ऋणाकर्षण, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक, एक तरह से साइंस, हाँ साइंस को इन्होंने यूज किया इसमें, जो आकर्षित होता नहीं वही चुंबक वाला ही, कि जो सेम सेम क्या होता है रिपल्स करता है और अपोजिट अट्रैक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे इनका क्या था, ये चीजें अगर जैसे धना, ये स्पेस हमको बढ़ाना है, और यही स्पेस बढ़ाना ही हमारा क्या है अधिगम, किस वातावरण में बनेगा, मनोवैज्ञानिक वातावरण में बढ़ेगा, जैसे क्षेत्र अधिगम नाम याद करिए, सब आता नहीं। इसके अलावा जो आपका एक पूछता है अभिप्रेरणा में भी वो आता है अधिगम में, तो नहीं, मेस्लो, मेस्लो का जो सिद्धांत है उसको समझिए, मांग का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। सबसे नीचे कौन सी आवश्यकताएं होती हैं, शारीरिक या दैहिक आवश्यकताएं, जैसे भूख प्यास, फिर क्या, सुरक्षा, ठीक, फिर क्या, समाज व प्रेम संबंधी, फिर क्या, आत्मसम्मान, फिर आत्मभिव्यक्ति। इस आत्मभिव्यक्ति में मनोविज्ञान का एक टर्म है, आपको उसको, आप उसको डिफाइन करिए, व्हाट इज सेल्फ, आत्म क्या है, आप भी कुछ करिए,
स्वयं नहीं, आत्म का क्या संप्रत्यय है? आत्म को परिभाषित करिए, यहाँ परिभाषित करने दीजिए थोड़ा। आत्म से आप क्या समझते हैं? अरे जिसको जिसकी जैसी शिक्षा और जैसा जिसका व्यक्तित्व वो वैसे ही अनुक्रिया करेगा। अभी आपने वही तो पढ़ा, सीखने की ज़रूरत है किसी को और किसी के कहने से कुछ होता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं लास्ट क्लास लूँगी आपकी, चलिए थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। हाँ कार्तिक, तुम रुक गए हो क्या? जौनपुर में हो तो तुम्हें कितने बजे बुलाया वहां पे? हाल तो गए ही, अवार्ड का बैठेंगे वो बस वो करेंगे। इसको देख लीजिए, मैं समझाती हूँ, उनको समझ ले लीजिए, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। मन खराब हो, नहीं उसमें पढ़ने वाले भी बच्चे हैं ना, नुकसान हो जाएगा। हमें कहाँ मिल रहा है यहाँ गर्मी में मंडी से, उसमें बहुत लोगों का नुकसान हो जाता है, इसलिए सोचते जाने दो जाने दो। लेकिन ऐसा ऐसा बोल देंगे कि सोचो कि हाँ खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। क्या शिक्षक बनेंगे और क्या ये समाज को चलाएंगे लड़कियाँ जब ऐसा बोल देती हैं? नहीं आप बांध के रखे हैं कि आपका वीडियो देखो देखो देखो, सला बोलते भी नहीं कि देखो, बोलते भी नहीं शेयर करो, बोलते भी नहीं लाइक करो, कुछ भी नहीं बोलते, तब इनको इतनी प्रॉब्लम होती है। थोड़ा पानी नहीं पी लीजिए तो इसको समझा दी, इसको समझा, इसको ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत में आ जाता है मिसलो वाला, अधिगम का नहीं। लेकिन इससे रिलेटेड प्रश्न आता है, इसे डायरेक्ट नहीं पूछा तो इनडायरेक्ट पूछ लेते हैं। इस पर पूछा है जैसे वो, आप जब भी अभिप्रेरणा की बात करेंगे तो मिसलो के सिद्धांत को यूज़ कर लेगा, अभिप्रेरणा से प्रश्न आता ही है, जानना जरूरी है। ये आपकी आवश्यकताएं हैं जो हमें सीखने के लिए अभी प्रेरित करती है। अभी मैं बताती हूँ एग्जाम्पल दे, धीरे धीरे आपकी आवश्यकताएं ऊपर जाती हैं। और सबसे जब यहाँ आप पहुँच जाते, इसलिए सेल्फ बोल रही हूँ, सेल्फ मतलब आप क्या हैं, आत्म का संप्रत्यय मतलब आप खुद को वास्तव में जाने कि हम क्या हैं। और वो जितना संकुचित जानेंगे उतना कम जानेंगे, और जितना विस्तृत जानेंगे उतना ज़्यादा जानेंगे। जब आत्म की अभिव्यक्ति कर ले, ठीक, ऐसी स्टेज, ऐसी आवश्यकता जब आपको खुद को जानना है, और एक जैसे परम अवस्था जो होती है सुपर ईगो की, अगर मनोविश्लेषणवाद ले लीजिए, और भी सबसे आप कोलैप्स करेंगे तो और भी चीज़ों से हम मिला लेंगे, तो जो सबसे ऊपर की आवश्यकता होती है वो यही होती है। आत्म सम्मान के मतलब आपका सम्मान बचा रहे, ऐसे कोई बेइज्जती न कर दे। हम आत्मसम्मान खो के यहाँ खड़े होते हैं क्योंकि हम लोग ऊपर पहुँच चुके, शायद हो सकते नहीं, किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए, बच्चे नहीं नहीं है नॉलेज उतनी, मतलब नॉलेज क्या, मतलब नॉलेज सिर्फ यही थोड़ी है, किताब आप रट के हमसे ज़्यादा जानते होंगे आप ही लोग, ऐसा थोड़ी है, हम बहुत जानते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जानते। लेकिन हाँ हमें अगर ये पता तो आपको ये बताएंगे, ये मेरे अंदर हमको बहुत नहीं आता, हम तो इसके स्टूडेंट भी नहीं। लेकिन ये है कि हमको ये पता है तो हम सोचते हैं ये सब जान जाए, तो इतनी डिफिकल्ट चीज़ें नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर टाइम कम रहता है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल है, वो आप लगता होगा बकवास है, जब घर से जोड़ के कोई चीज़ या अपनी एक्सपीरियंस शेयर करके इसको जोड़ दीजिए ना, तो बड़ी तेज़ी से जैसे वो चीज़ें याद आती है तो वो एग्जांपल पहले याद आता है, तो इसलिए भी हम लोग एग्जांपल ज़्यादा देते हैं।